नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। आज मैं बनाऊंगी पापदा माछे झाल। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती जाऊंगी कि पापदा माछे झाल मैं किस तरीके से बनाती हूँ। पहले मैंने यहाँ पर फिश को मैरिनेट कर लिया है। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी नमक और बिल्कुल हाफ टी स्पून नींबू के रस से। नींबू के रस में इसलिए मछली में ऐड करती हूँ जिससे कि मछली का एक खुद का बैड एक स्मेल होता है जो कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसलिए इस बैड स्मेल को दूर करने के लिए मैं नींबू का रस ऐड करती हूँ। इससे हमें पहले मछली को अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है और मैं उसको अभी पहले मछली को फ्राई कर लूँगी दोनों तरफ से, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। देखिए यहाँ पर मछली जो है दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे एक अलग से बर्तन में निकाल लूँगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो मैं ये करूँगी कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो 3 इलायची दिया है और 3 बिल्कुल छोटे छोटे दालचीनी और कुछ काली मिर्च। इनको मैं थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करके ही निकाल लूँगी और इनका मुझे पेस्ट बनाना है जो कि मैं बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी। इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे और तुरंत आप इसको पीस लीजिएगा जिससे कि ये कुरकुरा रहेगा। नहीं तो अगर आप इसको रख देंगे ये अगर ठंडा हो जाएगा तो पेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा। इसलिए गरम गरम जब आप इसको निकालते हो तभी तुरंत इसका पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर उसी ऑयल में आलू को देखिए आप, मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। आलू को मैं अब उसी ऑयल में फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी, हाफ टी स्पून से भी कम थोड़ा सा हल्दी मैं दूंगी, इसके अच्छे रंग आएगा आलू में। और थोड़ा सा नमक जिससे कि इसके में फ्लेवर जो है वो बढ़िया सा आए। जब तक आलू फ्राई होता है मैं एक मिक्सचर बनाऊंगी। मैंने एक छोटे से बोल में नमक लिया है स्वाद अनुसार। 1 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून से भी कम मैंने यहाँ पर शुगर लिए हैं और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है। अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, करके इसे अच्छे से मिक्स करके हमें रख लेना है अलग से। जैसे ये आलू फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ग्रेवी कैसे बनाऊंगी, इसको मैं अलग रख लूंगी। और तब तक यह देखिए आलू जो है फ्राई हो चुका है। आलू को अब अलग से उठा के एक बर्तन में मैं रख लूंगी। उसके बाद उसी ऑयल में मैं 2 तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर जीरा ऐड किया है। इसे जस्ट थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा जैसे ये भुन जाएगा। अब हम ऐड करेंगे जो मिक्सचर हमने पहले बना के रखा है, उस मिक्सचर को हम अब ऐड कर देंगे। इस समय फ्लेम को मीडियम टू हाई में रखना होगा और इसे इस मिक्सचर को इस तरीके से चलाना होता है। थोड़ा सा अच्छे से चला दीजिए जिससे कि ये नीचे जो है लग ना जाए, इसलिए हमको ये मिक्सचर को अच्छे से चला लेना है और इसी तरीके से चलाते हुए हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है इस मिक्सचर को। देखिए ये मिक्सचर जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये जो हमने मसाले दिए थे ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हमने वो मसाला जो था वो थोड़ा गाढ़ा हो गया था, इसीलिए हमने इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। करने के बाद अब हम इसको फिर से इसे इसी तरीके से फ्राई करते रहेंगे, भूनते रहेंगे मसाले को। देखिए यहाँ पर मसाले जो है उसने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें हरी मिर्च जो हमने स्लाइसेस किए हुए हैं, हरी मिर्च को बीच से कट कर लिया है। आप जितना तीखा खाते हो उस अनुसार आप हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लाल मिर्च भी मैंने ऐड किया है, सूखी लाल मिर्च भी ऐड किया है, हरी मिर्च भी ऐड किया है और ब्लैक पेपर काली मिर्च भी हम इसमें पेस्ट देंगे, तो आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। उसके बाद हम आलू को मसाले के साथ इस तरीके से फ्राई कर लेना है। जब इस तरीके से फ्राई हो जाए आलू मसाले के साथ, देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, मसाले का जो फ्लेवर है वो आलू के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आ जाए, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें करीबन 1/2 लीटर पानी ऐड कर देंगे। आप जितना ज़्यादा ग्रेवी आप रखना चाहते हो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, नहीं तो ये अच्छा नहीं टेस्ट आएगा। जैसे आप जितना गाढ़ा खाना चाहते हो, जैसे कि आप थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ा आपको पसंद है
तो फिर वो आप उस हिसाब से पानी कम ज्यादा कर सकते हो। अब हम इसको ढक देंगे करीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में, जब तक आलू जो है अच्छे से गल ना जाए और इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए, तब तक हम इसे इसी तरीके से पका लेंगे। और फिर हम इसमें 5 मिनट बाद इसमें जो है फिश जो हमने पहले से फ्राई करके रखा हुआ है उसे हम इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम फिर इसको ढक देंगे करीबन 3 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और एक और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। देखिए यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने वो पेस्ट ऐड कर लिया है जो हमने पहले से बना के रखा है, उस पेस्ट को हमने इसमें ऐड करना है। करने के बाद बहुत ही हल्के हाथ से हमें इस पेस्ट को मिक्स करना है। करने के बाद हम इसको गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आलू है तो ये जब ठंडा होगा ग्रेवी तो ये ऑटोमेटिक थोड़ा कम हो जाएगा, इसीलिए गाढ़ा हो जाएगा ये ग्रेवी। इसीलिए हमने इसकी मात्रा इसी तरीके से रखा है, बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ा पहले से ही नहीं बनाया है। ये देखिए रेडी है। आज का ये वीडियो बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आपसे फिर बहुत जल्द मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।